हेलो फोक्स आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निकाली गई है जिसको आप सभी लोग एनएफएल के नाम से जरूर जानते होंगे एनएफएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन फर्स्ट ऑफ नवंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो चाहे वो आपकी जुडिशियर की वैकेंसी हो चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा

तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर sure करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं

इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है हमारे लिए वो हमारे लिए फोर वैकेंसी निकाली गई है जो कि कैटेगरी वाइज इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अन कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए तीन वैकेंसी निकाली गई है और हमारे ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है टोटल चार वैकेंसी है जिसमें तीन वैकेंसी अनरिजर्व यानी जनरल के लिए और एक वैकेंसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए निकाली गई है अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 18 इयर्स इयर्स है है और बिलो 27 है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एल एल बी ग्रेजुएट है इन रिस्पेक्टिव आपने थ्री ईयर का एल एल बी कोर्स कराए या फिर फाइव ईयर का बी एल एल बी का इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप एक एल एल बी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते, है, तो करते हैं तो अगर आपने अपनी एल में फिफ्टी परसेंट एंड अब स्कोर करा है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं लेकिन आपको मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि आपने जहां से अपनी एल की डिग्री कंप्लीट करी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यानी आपका कॉलेज कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें दूसरी के इन्होंने करा है कि आपको जो आपकी एज थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अकॉर्डिंग ट्वेंटी सेवन कंप्लीट नहीं करती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो सेवन हंड्रेड प्लस बैंक चार्जेस रखे गए हैं अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है वो आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अवेलेबल है जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर यह पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर पढ़ सकते हैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल होगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पे चले जाएंगे जहां पे आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की को, कोई क्वेरी भी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैं मेक श्योर sure करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूं ताकि आप अपने प्रोसेस को जल्दी से जल्दी ही खत्म कर पाए और जल्दी से जल्दी ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपके लिए ऑफ दिसंबर 2023 रखी गई है आपको मेक श्योर sure करना है कि बिफोर फर्स्ट ऑफ दिसंबर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा इसके लिए आप सेंटर चूज कर सकते हैं अपने फॉर्म में सेंटर्स आपको बता रखे हैं कि कहां-कहां आपके सेंटर अलॉट किए जाएंगे यानी आपको जो सिटी बताई गई है वो है रांची लखनऊ चंडीगढ़ रायपुर न्यू दिल्ली बेंगलोर भोपाल अहमदाबाद हैदराबाद चेन्नई कोची जयपुर मुंबई गुवाहाटी एंड कोलकाता इन सारी सिटीज में से आप कोई भी सिटी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका पीआई यानी वाइवा कंडक्ट कराया जाएगा यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी आपका जो एग्जाम का वेटेज होगा वो 80 परसेंट है और जो आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू जिसको आप लोग वाइवा कहते हैं उसके लिए जो वेटेज रखा गया है है वो 20 का है। का यानी 80 आपके एग्जाम और पीआई के लिए 20 परसेंट वेटेज रखा गया है तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है आपको मेक श्योर sure करना है कि आप अपना फॉर्म बिफोर फर्स्ट ऑफ डिसम्बर फिलअप कर दें तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें फ्रेशर्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं साथ ही साथ एडवोकेट्स भी फॉर्म कर सकते हैं अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ मैच करता है तो बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है इस पूरे फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप सभी जानते हैं कि आप मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक like, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली ही अपडेट मिलती रहे तो आप श्योर sure करें कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाए थैंक यू सो मच